वालदैन का मकाम व मर्तबा। कोई शख्स सारी ज़िंदगी अपने वालदैन की खिदमत करके इन एहसानात का बदला देना चाहे तब भी वो वालदैन का हक अदा नहीं कर सकता। बिलाशुबा वालदैन ही कायनात में ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जिनके औलाद पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी अपने वालदैन की खिदमत करके इन एहसानात का बदला देना चाहे तब भी वो वालदैन का हक अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि कुरान करीम में जहां अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया तो वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की ताकीद भी फरमाई है। इरशाद रब्बानी है, और आपके रब ने हुक्म दिया कि उसकी ही इबादत करो और वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम जहानों का मालिक मानकर उसकी इबादत और हुक्म की ताबेदारी ज़रूरी है, इसी तरह वालदैन के साथ हुस्न सलूक और इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना भी ज़रूरी है। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदैन की अज़मत व अहमियत को अहादीस मुबारका में बयान किया है। चुनाचा वालदैन की अज़मत को बयान करते हुए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नेक औलाद अपने वालदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह पाक हर नज़र मोहब्बत पर उसके लिए एक मकबूल हज का सवाब लिख देते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अगर ये शख्स 100 मरतबा भी नज़र मोहब्बत से देखे तो क्या तब भी इतना सवाब मिलेगा? इस पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी नज़र मोहब्बत से देखने से ज़्यादा शान रहमत रखता है। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ तक मत कहो। इस आयत मुबारका में वालदैन के साथ खसूसन उस वक्त हुस्न सलूक की ताकीद की गई है जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाए, क्योंकि इस उम्र में इंसान अमूमन चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी तबीयत में बेकरारी और बेचैनी पैदा हो जाती है। लिहाजा वालदैन को इस कैफियत में औलाद की तरफ से अच्छे रवैये की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात भी मुशाहदे से साबित है कि जो शख्स वालदैन पर ख़र्च करता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क में मज़ीद वसअत व बरकत पैदा फरमा देते हैं। खसूसन ऐसे हालात में बकदर इस्तेताद ज़रूर खर्च करना चाहिए और उनके नानो नफके का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारका में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें अपने ज़ोफ़ा की वजह से रिज़्क दिया जाता है और तुम्हारे ज़ोफ़ा की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ह हो गई कि वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना और उनका अदब व एहतराम हर सूरत में ज़रूरी है और उनके साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी की किसी हाल में इजाज़त नहीं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनका अजाब हुक्म इलाही से आखरत तक मुअख्खर कर दिया जाता है, लेकिन वालदैन के साथ बदसलूकी करना और बदतमीज़ी से पेश आना ऐसा संगीन गुनाह है जिसका अजाब अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया ही में दे दिया जाता है। और जब तक इंसान अपने इस संगीन जुर्म की सज़ा न भुगत ले उसको मौत भी नहीं आती। हदीस मुबारका में इस संगीन गुनाह की मजम्मत को बयान किया गया है, गुनाहों में से अल्लाह ताला जिन गुनाहों को चाहेगा बख्श देगा, लेकिन वालदैन की इज़ा रसानी और नाफरमानी को माफ़ नहीं करेगा, बल्कि मरने से पहले इस शख्स पर उसका अजाब नाजिल करेगा। वालदैन का नाफरमान और उनके लिए तकलीफ़ और इज़ा का सबब बनने वाला शख्स चैन से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, बल्कि किसी न किसी मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कलमे की तलकीन करने लगे, लेकिन सहाबी के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी वालदा को बुलाओ। जब उनकी वालदा हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम अपने बेटे से नाराज़ हो? मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि क्या तुम पसंद करती हो कि तुम्हारा बेटा आग में जले? वालदा ने अर्ज़ किया, नहीं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस फिर जल्दी से इसे माफ़ कर दो। वालदा ने माफ़ कर दिया तो उस सहाबी ने फौरन कलमा पढ़ लिया और रूह परवाज कर गई। अगर किसी ने बेख्याली में वालदैन की नाफरमानी की और उनको तकलीफ़ और इज़ा पहुँचाने का सबब बना और इसी हालत में वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए
और उसको माफ़ी तलाफ़ी का मौका ना मिल सका, तो अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद को नसीहत फरमाई है कि वो अपने वालदैन के लिए दुआए मगफरत करता रहे। वालदैन अल्लाह ताला की अजीम नेमत हैं। इस नेमत का तकाजा यह है कि उनकी कदर की जाए और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए और उनकी बेअदबी और नाफरमानी से हर हाल में परहेज़ किया जाए।